The NDA government has constantly shown vehemence in supporting the cause of the differently abled. The coining of the term Divyang by Prime Minister Narendra Modi to highlight the extra power that the differently abled are endowed with stands testimony to it. Having always advocated equality for the differently abled, it came as no surprise when the government earmarked rupees 4 crores for the Divyangs in its scheme Khelo India. The potential benefits of sports in the lives of Divyangs are immense. While at psychological level, it leads to improvement of mood state with a reduction of anxiety and depression, an increase of self-esteem and feelings of greater self-efficacy. Sociological benefits comprise new experiences, new friendships and a countering of stigmatization. Their involvement in sport results in improvement of health, and in the long term there is a reduced risk of many chronic diseases. Sports ka main motive to yahi hota hai, healthy world and healthy human being. To health ki main samajhta hu ki divyang ko zyada zarurat hoti hai, to sports एबल से ज़्यादा दिव्यांगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. और मैंने जब से इनके साथ काम किया है तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और ये बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं और इनको एक सही रास्ता सही गाइडेंस की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं. स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साइकोलॉजिकली हो चाहे आपके फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो. तो है ही, स्पोर्ट्स का स्लोगन ही है हेल्दी वर्ल्ड. तो स्पोर्ट्स करने से साइकोलॉजिकली तो आप साउंड रहेंगे ही रहेंगे, दैट्स फॉर श्योर, और फिजिकली भी रहेंगे. तो स्पोर्ट्स करने वाला अपने आप ही आप ये समझ लो कि उनका मोरल कभी डाउन नहीं होगा. स्पोर्ट हैज द पावर टू रिड्यूस डिपेंडेंस एंड डेवलप ग्रेटर इंडिपेंडेंस बाय हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू बिकम फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर. एट द पैरालंपिक्स लास्ट ईयर द दिव्यांग्स मेड इंडिया प्राउड विद देयर स्टेलर अचीवमेंट्स. विद ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज प्रॉमिस्ड बाय खेलो इंडिया, दे आर श्योर टू स्केल न्यू हाइट्स. स्टेट लेवल से अगर आप एथलीट्स उठ के आएंगे और उसके बाद स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे, नेशनल पार्टिसिपेट करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी स्कीम है. कॉम्पिटिशन्स तो बिल्कुल श्योर है कि बढ़ेंगे ही. वाइल द गवर्नमेंट बाय एम्ब्रेसिंग द दिव्यांग्स इन इट्स स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट इन द कंट्री हैज ट्रूली वॉक्ड द टॉक. This is DD Sports headquarters in Delhi. You are watching DD Sports Conclave 2017. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिव्या जेटली और डीडी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2017 के अंतिम अध्याय में आप सभी का स्वागत है. जोश, जुनून और जश्न जारी है क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स इन इंडिया. और इस शिखर पर आकर हम यही चाहते हैं कि आपकी मुलाकात हम एक ऐसी हस्ती से कराएं जिन्होंने आज पूरे दिन के इनसाइट्स और व्यूज को सिर्फ अपनाया ही नहीं बल्कि तहे दिल से जिया है. जी हां, मैं बात कर रही हूं नन अदर देन अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर. अ वार्म वेलकम टू यूर कर्नल राठौर. थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू. थैंक यू कि आप हमारे साथ डीडी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2017 में जुड़े. ये हमारा इनिशिएटिव है, पहला एक स्टेप है टुवर्ड्स कि हम पूरे खेलो इंडिया स्कीम को हर एक इंसान और बच्चे के साथ जोड़ दें. फैंटास्टिक. तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर, क्योंकि हमारे दर्शक उत्सुक हैं आपके व्यूज सुनने के लिए. देखिए, जितनी हम चर्चा करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में और जितनी घरों में चर्चा होगी, स्कूलों में चर्चा होगी और उसके बाद उन चर्चाओं के ऊपर अगर एक्शन होगा तो एक माहौल बनता है खेल का. और जैसा अभी थोड़ी देर पहले जो इंटरव्यूज आप दिखा रहे थे टीवी के ऊपर, बहुत सही कह रहे थे कि एक हौसला होता है खिलाड़ियों के अंदर, एक जज्बा होता है कभी नहीं हारने का, एक एटीट्यूड होता है. आम जिंदगी में मुझे तो काफी लंबे समय पहले मैं खेल रहा था, अब जब मैं लोगों को मिलता हूँ तो जो खिलाड़ी होते हैं वो
जो हमारे काम करने की जगह होती है वहां पे अलग से दिखाई देते हैं, उस एटीट्यूड की वजह से दिखाई देते हैं. तो इट्स अमेजिंग, दिस इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट स्पोर्ट्स. इट्स नॉट अबाउट मेडल्स. बिल्कुल, मेडल्स तो आप एक बार जीतते हैं उसके बाद वो कहाँ मेडल्स रखे रहते हैं खिलाड़ियों को भी नहीं पता रहता है. बट इट इज अबाउट दैट आपके अंदर जो भावना होती है, आपके अंदर जो स्पिरिट आती है, वो हमेशा आपके साथ रहती है. बिल्कुल, आपसे और चर्चा करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और हम चाहते हैं कि कर्नल राठौर आज वो एनर्जी फूंक कर जाए हर उस देशवासी के मन में जो खेलो इंडिया से जुड़ जाए. मगर उससे पहले आइए आपको एक नजर डलवाते हैं उनके अब तक के सफर पर. पूरे संसार के सामने अकेला बच्चा है ये तो, और कैसे जीतेगा, कैसे क्या होगा इसका, तो उस वक्त वो ही घबराहट मुझे लग रही थी. अभी तो मैं कहती हूँ भगवान सबको ऐसे ही, सबको जिताए परमात्मा, जैसे इसको कोई शक्ति इसके साथ, जिसने इसका साथ दिया है वही शक्ति सबको दे परमात्मा. I think it's all his effort, his parents' upbringing, and yes, support of everybody, from the government to the army. Everybody has been having full faith in him, so he's been able to reach this. As if something, I mean, I can't explain it in words. It was just, I was going numb absolutely. So naturally, it is the biggest proud for Rajyavardhan and for we people. And this credit has gone to the Rajasthan. His pehla medal Rajasthan ke khiladi ne liya. Isse bada saubhagya Rajasthan ke liye main samajhta hoon. लेफ्टिनेंट कर्नल राठौड़ ने निशानेबाजी के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है. आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए आपको वर्ष 2004 का बहुप्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है. लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़. We all had been working hard for it, and I said to myself, whatever happens, I have to smash that target, because that is humiliating me and my. आर्मी से लेके पॉलिटिशियन तक का सफर वो तय हुआ ओलंपिक मेडल के साथ, और एथेंस के सिल्वर मेडल ने पूरे भारत देश की सोच ही बदल दी. कर्नल राठौर, एक बार फिर आपका स्वागत है स्टूडियो में. आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि इतना लंबा सफर, और शायद आप एक ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने हर एक फील्ड में झंडे गाड़े हैं, तो वो स्पोर्ट्स के कौन से वो गोल्स हैं या वो टेक अवेज हैं जिन्होंने आपका हर स्टेप पे साथ दिया है? देखिए, इतने समय बाद बैठ के आसान लगता है कि अच्छा आपने क्या क्या मुकाम पार करे हैं, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स करे हैं. उस समय तो वही एक एटीट्यूड होता है, सेना में भी यही सीखा था कि चुनौती स्वीकार करना एक
एक अच्छी बात होती है. इट्स अ थ्रिल टू सीक अ चैलेंज. और उस चुनौती के ऊपर कितना आप खड़े उतरते हैं, दिस इज अ चैलेंज टू योरसेल्फ. और अक्सर आप फेल होते हैं जिंदगी के अंदर. और खेल के अंदर तो आप तकरीबन हर रोज, हर जब भी मुकाबला होता है आप हारते हैं ज्यादातर. मैं अक्सर कहता हूं कि मैं ज्यादा हारा हूं अपनी जिंदगी में एज कंपेयर टू जीता हूं. बट दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्पोर्ट्समैन. कि आप हार के क्या वापस उठ के मुकाबले में जाते हैं या आप हार मान लेते हैं. तो जिंदगी में यही होता है. बचपन से अलग अलग चुनौतियां, अलग अलग क्लास में होते हैं तो आपके सामने चैलेंजेस आते रहते हैं. और हर मुकाबला उतना ही बड़ा होता है. जब स्कूल का मैच खेलते थे तो वो अपने आप में ओलंपिक के लेवल का होता था. और आज भी अगर स्कूल की टीम खेलती है तो वो ओलंपिक से कम नहीं समझती. आप ओलंपिक से कभी कम नहीं समझती. तो हर लेवल का जो मुकाबला होता है वो सबसे बड़ा मुकाबला होता है. एंड द आइडिया इज टू गिव योर बेस्ट. तो ये हर मुकाबले को जो आपने एक मैं कहूँगी स्पोर्ट्स के फील्ड में देखा और अब आप राजनीति में हैं और दोनों ही स्फेयर के अपने अपने नियम हैं, तो कौन सा किस पे हावी है, कौन सी पर्सनालिटी आपकी किस पे हावी है? देखिए, स्पोर्ट्स इज अ वेरी फेयर गेम. मैं अक्सर जब स्कूल के स्टूडेंट से बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि देखिए, खेल के मैदान के अंदर रूल्स होते हैं जी, और सब रूल्स के हिसाब से खेलते हैं. कहीं कोई गलती करता है तो एक रेफरी भी होता है, वो तुरंत विसिल बजा देता है. बिल्कुल. और आपको फाउल मिलता है या कोई एडवांटेज मिलता है. लेकिन जिंदगी के अंदर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते. बट एक खिलाड़ी यही सीखता है मैदान के अंदर कि अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग चुनौतियां आती हैं. आप ये नहीं कह सकते ये जो जिंदगी का जो गेम है इसके रूल बदलिए क्योंकि मेरे को ये गेम पसंद नहीं आ रहा. यू हैव टू एक्सेप्ट द गेम. और रूल्स बदलते रहते हैं. आप देखिए, आज जैसे जैसे टेलीविजन आता जा रहा है गेम्स के रूल्स बदल रहे हैं. आप देखिए, कबड्डी ले लीजिए या कुश्ती ले लीजिए, फिर शूटिंग भी ले लीजिए, सब धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं. दे आर अडेप्टिंग टू द न्यू ऑडियंस विच इज टेलीविजन. सो रूल्स बदलते हैं, बट वॉट एवर द रूल्स आर देयर यू हैव टू एक्सेप्ट इट. सेना में भी यही दिखाते हैं कि अलग अलग परिस्थितियां आएंगी. You have to be adaptable to them and you have to take on the challenge. और उन्हीं नीतियों के हिसाब से. और जिंदगी में यही होता है. हर दिन आपके पास एक अलग चुनौती आती है. You have to ready to face it and be willing to lose but fight back. हाँ, मगर आपने सबकी बात कर ली, मगर राजनीति के रूल्स के बारे में कुछ बात नहीं की. ये राजनीति भी एक तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इनफैक्ट बहुत पहले मेरा एक 2008 ओलंपिक्स में, ओलंपिक विलेज में, मैं और पुलेला गोपीचंद हम बैठ के बात कर रहे थे. उस समय ही हैडन्ट स्टार्टेड ऑफ एज अ कोच, बट ही वाज सेइंग दैट मैं कोच बनना चाहता हूँ. और मैंने कहा मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ. हम दोनों में बातें हो रही थी. सो कोचिंग हैज इट्स ओन एडवांटेज. बिल्कुल. एंड एडमिनिस्ट्रेशन हैज इट्स ओन एडवांटेजेस. ट्रूली. सो राजनीति इज मोर लाइक एन रोल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर. और वहां पर आपका जो दायरा है, आपके आपके एक्शंस का जो जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जी, वो बहुत बड़ा होता है. तो अगर आप सही निर्णय ले पाएं तो बहुत लोगों तक उसका असर, पॉजिटिव असर पहुंचता है. दैट इज पॉलिटिक्स राइट नाउ. दैट इज गवर्नेंस. दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट गुड गवर्नेंस. अगर कोई बदलाव लाना है तो इसी पोजिशन से ला सकते हैं. बिल्कुल. तो आपने प्राइम मिनिस्टर और गुड गवर्नेंस की बात की. खेलो इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि वहां पे पिछले 3 साल में हम इस स्कीम के तहत कितने सारे प्रोग्राम्स हम आगे लॉन्च कर रहे हैं फॉर सपोर्टिंग द पीपल, कि आज हर एक बच्चा उठकर आगे आए और खेलना शुरू करे, उसको एक हैबिट बना ले. तो बताइए कि एज अ फैमिली व्हाट ऑल वी कैन डू कि हम इसको एक कल्चर में एक हैबिट बना लें कि रोज फैमिली इसको साथ में जाना है और खेलना है. देखिए, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, हर चीज में सरकार की जिम्मेदारी है. लेकिन आपको अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए और खासतौर से युवाओं को खेलने के लिए सरकार का कब इंतजार रहा है? मेरे को तो याद है स्कूल के वरांडे में जब जगह नहीं होती थी ग्राउंड में तो हम वरांडे में क्रिकेट खेलते थे. अगर बैट नहीं अलाउड होता तो या तो हम लेग क्रिकेट खेलते थे या हैंड क्रिकेट खेलते थे. और कुछ नहीं, क्लास में बाहर भी नहीं जाते, जाने देते थे तो किताबों के पन्ने खोल के वो जो उस पर नंबर आता था उतने रन बना लेते थे. तो आपको किसी चीज की कभी, जब आप खेलना चाहते हैं, जब आप में वो जज्बा है कि मेरे को खेलना है जी, उसके बाद तो आपको परिस्थिति को बदल के यू हैव टू यूज इट टू योर एडवांटेज. दैट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड टुडे. जो एक खेल का माहौल है, आप कम्युनिटीज हैं, मोहल्ले हैं, उसके अंदर मुकाबले करवा सकते हैं.
द चिल्ड्रन आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. और एक बैडमिंटन कोर्ट बनाने में कितना खर्चा होता है, अगर इस मोहल्ले में सब रहने वाले 50-50 रुपए भी इकट्ठे करें तो एक शानदार बैडमिंटन कोर्ट बन सकता है, कुछ और भी खेलने की सुविधा बन सकती है. कोई ग्राउंड खाली पड़ा है तो उसको आप यूज कर लीजिए टेम्परेली खेलने के लिए. अच्छा, मुकाबला करवा लीजिए, खुद के मोहल्ले का करवा लीजिए, दूसरे जो दूसरा नेबरिंग जो कॉलोनी है उसके साथ मुकाबला करवा लीजिए, अलग अलग करवाइए, डिबेट करवाइए, कुछ भी करवाइए. द चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. एज पेरेंट्स एंड एज एल्डर्स, कैन वी प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी? दैट इज असेंशियल, राइट? सो ये जब हम करने लगेंगे तो अपने आप एक बहुत पॉजिटिव बदलाव आएगा. अभी मैं क्योंकि एक खिलाड़ी हूं तो खेल की तरह से सोचता हूं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कई सालों से आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली नहीं होती थी वहां पे पूरे जिले के अंदर. तो मैंने कहा भाई सांसद हूं वो भी पूर्व सैनिक हूं, तो मैंने कहा रिक्रूटमेंट रैली तो कराएंगे. रिक्रूटमेंट रैली शुरू कराई. फिर हमने कहा कि रिक्रूटमेंट रैली के अंदर जो यूथ आता है उसको पता नहीं होता कि मेरा टेस्ट क्या होने वाला है, मेरे को कितना दौड़ाएंगे, मेरे को कितने पुलअप करने हैं, कितने पुशअप करने हैं. हमने कहा क्यों ना इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए. तो अंदाजा लगाया तो वो बहुत बड़ा था कि करीब 40,000 यूथ को अगर आपको ट्रेनिंग देनी है तो कितना मुश्किल काम है. हमने कहा भाई वॉलंटियर्स इकट्ठे करते हैं कि कितने और ग्राउंड बनाते हैं कितने बना सकते हैं. तो वॉलंटियर्स ने अपना पैसा लगा के, किसी ने जेसीबी लाके ग्राउंड झाड़ियां साफ करा दी, किसी ने डोजर लाके पानी छिड़का के ग्राउंड को फ्लैट करा दिया, जिसकी ईंट के भट्टे थे उसने बोला एक ट्रक में ईंट के भट्टे भिजवाता हूं, तो उसने 400 मीटर का ट्रैक बना दिया, सब कुछ बिना पैसे के. वी क्रिएटेड 24 ग्राउंड इन आर कॉन्स्टिट्यूएंसी. और उसके बाद में पहले दिन दुख हो रही थी कि सब आएगा या नहीं कोई आएगा. तो मेरी जब टीम 7 बजे वहां पहुंची तो उन्होंने कहा कि वहां से मुझे फोन करके बोला सर ये 5 बजे के बैठे हुए यहाँ पर. तो यूथ रीच देयर एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग. और एक महीने तक हमने ट्रेनिंग कराई, आर्मी के ऑफिसर्स और जवान्स को हमने बुलाया कि आप इनको ट्रेनिंग कराइए, बीएसएफ के लोग थे, इतना शानदार माहौल वहां पे बन गया. उसी तरह फिर हमने कबड्डी कराई, हमने कहा हर गांव से एक टीम होनी चाहिए. तो 5,000 से ज्यादा खिलाड़ी हो गए और 500 से ज्यादा टीम. मेरी टीम का वहां से फोन आया कि सर लड़कियां पार्टिसिपेट करना चाहती हैं क्या करें. मैंने कहा करने दो बिल्कुल. तो लड़कियों की 23 टीम, दिस इज रूरल इंडिया आई एम टॉकिंग, ठीक है. आप अपॉर्चुनिटी दीजिए और जनता खेलने को, मतलब यूथ खेलने को तैयार हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. अब खेलो इंडिया बिल्ड्स ऑन दैट. जी, अब जैसे जी. मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को वहां पे चीफ गेस्ट बुलाया, उस कबड्डी का जो फाइनल था जी. और उन्होंने देख के बोला कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको क्या चाहिए. तो मैंने 10 करोड़ का एक्सपेंडिचर खेलो इंडिया से, आई एम मेकिंग अबाउट 4 or 5 स्टेडियम्स, स्मॉल स्टेडियम्स. अब ये नहीं है कि आपको स्टेडियम बनाना है तो आपको ओलंपिक साइज ही स्टेडियम बनाना है. ये एक 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 मेंटालिटी है मैंने इंडिया में बहुत देखी है कि हमको सब कुछ बराबर चाहिए. सरपंच मुझसे अक्सर बोलते हैं कि सर हमारे को दीवार बना दो ग्राउंड के चारों तरफ. तो मैं कहता हूँ खिलाड़ी, जब मैं खिलाड़ी था तो मेरे को दीवार की कभी जरूरत नहीं थी. तो आप दीवार पे किस लिए पैसा खर्च, आप दीवार पे पैसा किस लिए खर्च करना चाहते हैं. मैंने कहा दीवार के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, तारबंदी लगा लो. सो यू नो द पॉइंट इज दैट एवरीबॉडी वांट्स कि अगर मेरे पास हो तो बस ओलंपिक साइज स्टेडियम हो. द रिक्वायरमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले. इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ प्ले से मुझे याद है, ये आप जब अभी टीवी पे दिखा रहे थे तो अब्दुल कलाम साहब से मेरी बातचीत हो रही थी ड्यूरिंग दैट ओनली ड्यूरिंग द मेडल सेरेमनी. And he told me that आप एक पेपर लिखो, मुझे बताओ कि इंडिया में खेलों के लिए क्या चाहिए. अच्छा, पहले तो मुझे लगा कि राष्ट्रपति बोल देते होंगे, सबको बोलते होंगे, कहाँ उनको याद रहेगा और कहाँ उस बात की इंपॉर्टेंस होगी. तो करीब एक महीने तक तो मैंने कुछ लिखा नहीं जी. उनको फिर मुझे एक व्यक्ति मिले, मैंने उनको कहा कि राष्ट्रपति जी ने ऐसा कहा था. तो उन्होंने कहा आप तुरंत लिख दीजिए क्योंकि उनको याद रहता है, अगली बार जब मिलेंगे तो आपसे पूछ लेंगे. सो देन आई रोट डाउन एंड उसमें मैंने यही लिखा था दैट देयर इज एवरीबॉडी नीड्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले. उसको आप बस वो अपॉर्चुनिटी दिला दीजिए, वो स्कूल हो, कॉलोनी हो, वो सब जगह अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए. एंड दैट इज हाउ उसके बाद थोड़ा बहुत सरकार में मूवमेंट हुआ था. बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज जो स्कूल्स हैं, स्कूल का एम्फेसिस क्या होता है कि हमारे यहाँ जो पास आउट हुए हैं उनका 90% स्कोर है और ये है. कभी खेल के बारे में कहते हैं, कभी नहीं खेलते, कभी नहीं कहते. इनफैक्ट आई वॉज रीडिंग अ स्टडी विच सेड दैट हिंदुस्तान के अंदर आज जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम तो हर रोज खेलते थे वहाँ पे, हमारे तो कम से कम 2 PT पीरियड होते थे. अब जो पढ़ रहे हैं वो 40 मिनट्स की उनका फिजिकल पीरियड होता है
एक हफ्ते में बिल्कुल फिजिकल एजुकेशन, और यूनाइटेड स्टेट्स में 14 घंटे का होता है, 12 से लेकर 14 घंटे का. एब्सोल्युटली. सो दिस इज द ग्रोइंग ईयर. मतलब आप जब आठवीं में, सातवीं, आठवीं इस क्लास में है, दिस इज द टाइम फॉर योर बॉडी टू ग्रो, राइट? एंड सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एम्फेसिस इज लेड ऑन स्पोर्ट्स. हमारा कुछ कल्चर ऐसे शुरू से रहा है जहाँ पे पढ़ाई पे बहुत एम्फेसिस रहा है, बिकॉज दे हैव ऑलवेज बिलीव दैट स्टडीज कैन गेट यू अ करियर एंड स्पोर्ट्स कैन नॉट. हालांकि पिछले 3 साल में खासकर खेलो इंडिया की वजह से और बाकी जितने भी ओलंपियंस हैं सब ने अपने अपने अकेडमीज भी शुरू किए हैं, ये सोच थोड़ी बदल रही है. बट सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट स्कूल चिल्ड्रन, यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि हम उसको करिकुलम में डाल दें दैट एवरी डे देयर शुड बी अ प्लेइंग पीरियड, और उसके लिए कुछ मार्क्स कर दे कि बच्चों को कोई ना कोई ऐसा स्पोर्ट का इंटरेस्ट मिल जाए, हमको पता चले बाय द टाइम दे आर टीनेजर कि कौन सा स्पोर्ट दे लाइक. तो कम से कम बदलाव एक शुरू हो गया है. मैं अक्सर अब ऐसे लोगों से मेरी बातचीत होती है जो कहते हैं कि कोई एप्लीकेशन बना रहा है कि किस तरह से मॉनिटरिंग हो सकती है फिजिकल ग्रोथ की. एक व्यक्ति मुझे कल मिले थे, वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर क्राउड सोर्सिंग होगी ऑफ टैलेंट. यानी अगर आपको कहीं किसी छोटे से गांव में, किसी कस्बे में, किसी शहर में आपको लगता है कि ये मेरा दोस्त है, ये अच्छा है, या वो मेरा जो पड़ोसी है वो उस खेल में अच्छा है, या बहुत तेज दौड़ता है या दौड़ती है, तो आप उसका डिटेल लिख के आप उस एप्लीकेशन में भेज सकते हैं. फिर वो जो भी नेबरिंग वहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिट होगी वो उसको टेस्ट करके फिर उस टैलेंट को उस तरह से निखारेगी. तो दिस इज अ गुड, सो पीपल आर नाउ टॉकिंग अबाउट इट. अच्छा, कई स्कूल्स हैं वो अब धीरे धीरे एक जैसे एक ग्रोथ चार्ट होता है कि हिंदुस्तान में के जो बच्चे हैं वो उनका ग्रोथ किस तरह का होना चाहिए, जब वो 10 साल के हों तो कितनी उनकी बॉडी में एंड्योरेंस होनी चाहिए, या कितनी उनकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितनी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनका ग्रोथ कितना कैसा होना चाहिए. तो इस सब को मैप करा जा सकता है, और स्कूल्स अगर धीरे धीरे इसको अडॉप्ट करना शुरू करेंगे तो दैट विल सेट देम अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर स्कूल्स. और वाकई में जब फिजिकल ग्रोथ होगी, फिजिकल ग्रोथ के साथ एक मेंटल ग्रोथ होती है और एक इमोशनल ग्रोथ होती है, उसके साथ पूरे देश में बदलाव आएगा. स्पोर्ट्स इज नॉट अबाउट विनिंग मेडल्स. ये एक और एक गलत धारणा है. कि आप अच्छा खेलना चाहते हो तो कहाँ, कौन सा, क्या देश के लिए खेलोगे, जीत सकते हो या नहीं जीत सकते तो छोड़ दो, right. ऐसे नहीं होता. आपको खेल खेलने के लिए खेलना है, आपको एक हैप्पीनेस के लिए खेलना है, आपको एक टीम बिल्डिंग के लिए खेलना है. वाकई में स्पोर्ट्स से जितना आप जिंदगी के बारे में सीख सकते हैं शायद ही कहीं और सीख सकते हैं. और मैं कह इसलिए रहा हूं क्योंकि जिंदगी के जो सबक हैं वो बहुत लंबे समय के बाद आपको मिलते हैं, वही सबक आपको बहुत कम समय में आपको तुरंत स्पोर्ट्स फील्ड में मिल जाता है, सीखने को मिलता है. कितना आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप बॉल ड्रिबल करके ले गए लेकिन गोल के पास जाकर आपने किसी दूसरे को दिया, गोल उस व्यक्ति ने मारा, नाम उसका गया लेकिन खुशी आपको भी हुई. दिस इज अ लेसन. आप बाहर बैठे हो, आप बाहर से भी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, आप पानी लेकर आ रहे हो, कुछ स्नैक्स लेकर आ रहे हो, क्यों? क्योंकि दिस इज योर टीम. एक अपनत्व होता है, ये मेरी टीम है, मैं खेल नहीं रहा लेकिन ये मेरी टीम है. अगर आज सारे के सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जितने भी सरकार के अधिकारी हैं, अगर उनमें ये अपनत्व हो जाए कि ये काम मेरा है, ये डिपार्टमेंट मेरा है, ये डिपार्टमेंट मेरा है, तो अपने आप पूरा का पूरा देश का प्रशासन बदलना शुरू हो जाएगा. सैनिक जब अपनी जिंदगी देता है वो तनख्वाह के लिए नहीं देता, वो इसलिए देता है कि ये मेरी पलटन है, ये मेरा देश है, इसके अंदर कोई कदम ना रखे, इसलिए वो वहां जान देता है. He doesn't give for 30,000, 40,000 rupees that he's getting or the pension that he will get. Sure. So the psychology has to change of this nation. एक behavioral change की जरूरत है, और वो behavioral change sports field से शुरू हो सकता है. तो वो माइंडसेट चेंज करने के लिए कुछ हमको ये भी बताइए, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स को हम देखते हैं कि बच्चों को जैसे ही फुर्सत मिलती है मॉल ले जाते हैं. वीडियो गेम्स का बहुत एक प्रचलन हो गया है. Every all the kids are there with the iPads and the phones, and the parents are very happily giving them that. How do we take them, wean them away? I mean, ye mindset change parents mein karna zaruri hai, aur karna zaruri hai, to I think it's a good thing ki aap unko boliye ki karein. Ek bada interesting incident tha. Maine ek ladke ko bola ki aap khelte ho, to bolte hain haan main video game khelta hu. To maine kaha nahi, daudne bhagne wala game khelte ho? To bolte hain haan. To I got excited. Maine kaha chalo koi, bolte temple run khelta hu. So I said, नहीं, बट देखिए सिर्फ पेरेंट्स की इसमें गलती नहीं है, और यहाँ पे सरकार आती है, यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर आता है.
दिल्ली के अंदर अगर आपको अपने बच्चों को कहीं बाहर ले जाना है तो आपको अपने जहन पे बहुत जोर लगाना पड़ेगा कि मॉल के अलावा आप कहाँ ले जा सकते हैं. बहुत कम जगह हैं जहाँ पर आप ले जा सकते हैं. सो लेकिन कई सारे देर आर लार्ज ग्रीन पैचेस विद इन दिल्ली, उसमें ट्रैकिंग के ट्रेल्स बना सकते हैं आप ऑब्स्टिकल कोर्सेज बना सकते हैं जो आप ग्रीनरी को बर्बाद भी नहीं करेंगे. वहाँ पे बहुत चीज़ें हो सकती हैं. स्पोर्ट्स धीरे धीरे अब ऑर्गेनाइज हो रहा है दिल्ली के अंदर, स्पोर्ट्स क्लब्स बन रहे हैं जहाँ पर आप जाके खेल सकते हैं. सो अपॉर्चुनिटीज हैव टू बी क्रिएटेड एंड दीज अपॉर्चुनिटीज नीड टू बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल एक समय एक चर्चा हुई थी कि जितने भी स्टेडियम्स जितने भी स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं स्कूल्स के दे विल बी कंपल्सरी अवेलेबल फॉर द कॉलोनीज विच आर रिजाइडिंग नेक्स्ट टू दैट स्कूल. स्कूल के नजदीक जो कॉलोनी है आपको वो ग्राउंड अपना ग्राउंड जो है वो उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा, मे बी एट अ लिमिटेड कॉस्ट ऑफ वॉट एवर फॉर द अपकीप ऑफ द ग्राउंड. अच्छा ब्रिलियंट थिंग होना चाहिए. दिन में आप स्कूल होता है वैसे भी 40 मिनट का पीरियड होता है उसके अंदर, उसको ग्राउंड आपका सिर्फ असेंबली में इस्तेमाल होता है और वो ग्राउंड वैसे का वैसा पड़ा रहता है, शाम को उस पर कोई खेलता नहीं है. तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर सरकार का रोल बढ़ जाता है. सो बट आप जो बात बोल रहे थे पेरेंट्स की, आई थिंक मैंने बहुत सारी मदर्स देखी हैं, माएँ देखी हैं जो बहुत मेहनत करती हैं. सुबह सुबह अपने बच्चों को या तो स्विमिंग पूल पे ले जाएंगे, उनका टिफ़िन पैक करके ले जाएंगे, वहाँ पे इंतज़ार करेंगे, वो पूरी एक्सरसाइज कर होएगी, फिर उनको स्कूल पहुँचाती हैं. मदर्स वर्क अ लॉट और मुझे लगता है कि हर चैम्पियन के पीछे कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहता है एंड मदर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपके वीडियो में हमने आपकी नानी से भी कुछ सुना, तो आपके लाइफ में आपके वुमेन पावर का कितना रोल है टू मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन? मैंने तो अक्सर हर जगह कहा है कि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, वेदर दे आर फ्रेंड्स और वेदर दे आर फैमिली, डायरेक्ट फैमिली. एंड गायत्री जो मेरी वाइफ है डॉक्टर इन द आर्मी एज वेल, सो उनकी सपोर्ट के बगैर तो मैं शायद खेल शुरू भी नहीं करता. बिल्कुल. क्योंकि आप एक एक बहुत ही सिक्योर मिलिट्री एनवायरनमेंट जैसे आपका करियर That's है right. उसको आप एक तरह से रिस्क पे रख के आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं और यू आर पुटिंग योर ओन मिलिट्री करियर एट अ डिसएडवांटेज एंड एट रिस्क. सो दैट कुड ओनली हैपन बिकॉज आई न्यू दैट देयर इज अ अर्निंग मेंबर इन द हाउस. मेरी मदर इज अ टीचर और वॉज अ टीचर अर्लियर. सो एक वो भी एक रोल आता है कि तुम जो करना चाहते हो अपने जीवन में, जो करना चाहते हो अपना जो पैशन है उसको करो. सो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होती है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी होती है. पेरेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फ्रेंड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज वेल. बिल्कुल. तो आपके भी लाइफ में आपको एक ओलंपियन बनाने में फ्रेंड्स का भी बहुत सारा योगदान है. ओलंपियन इज जस्ट वन स्मॉल स्टेप इन योर लाइफ. सबसे जरूरी होता है आप व्यक्ति क्या है जी. वो व्यक्ति बनाने के लिए आपके दोस्त होते हैं. एनडीए में जब आप घुसते हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी में, 11वीं के बाद नेशनल डिफेंस अकेडमी में चला गया था. सो व्हेन यू आर एंटरिंग द नेशनल डिफेंस अकेडमी वहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, दैट्स द फर्स्ट बोर्ड टू व्हेन यू आर एंटरिंग, उस पर लिखा हुआ है कि एनडीए द मेकर ऑफ मैन. सो बेसिकली व्हाट इट इंप्लाइज इज कि आप बच्चे की तरह अंदर आ रहे हो 11वीं के बाद और आपको हम एक जेंटलमैन की तरह एक आदमी बना के वापस भेजेंगे. तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज मेक यू स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग. एब्सोल्युटली. एंड क्योंकि आप आर्मी की बात कर रहे हैं, मैं तो मेरे खून में भी आर्मी है. मैं अपने फादर को हमेशा बोलती हूँ कि अगर मैं आर्मी में होती तो जरूर जनरल बनती. बट ये बताइए कर्नल राठौर कि एक परिवार को बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं. Behind every, I would say, successful sports person, Olympian का मैं reference इसलिए लाती रहती हूँ क्योंकि आपने जब वो silver medal जीता Athens में, उसके बाद से country में एक I would say खेल क्रांति की शुरुआत हुई और पिछले 3 सालों में तो ये खेल क्रांति खेलो इंडिया से एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई है. सिनेमा भी बायोपिक्स बना रहे हैं, एक आइडल्स ऑफ ब्रांड्स की तरह देखा जा रहा है स्पोर्ट्स पर्सन को. तो हमको ये बताइए कि हर एक वो परिवार कैसे अपने बच्चे को सपोर्ट करे और उनको इनकरेज करे कि यस स्टडीज आर इम्पोर्टेंट बट एट द सेम टाइम खेलो क्योंकि इट विल ब्रिंग यू माइंड बॉडी सोल हेल्थ. देखिए मेरे जीवन में जितना मैंने देखा है मैंने ज्यादातर ऐसे लोग देखे हैं सफल होते हुए जो जीवन में को अडेप्ट कर सकते हैं अपने माहौल में
और वो अडेप्टेबिलिटी, मतलब मैं बधाई देता हूँ उन सबको जो 99% जिनके नंबर आते हैं जी। लेकिन अडेप्टेबिलिटी के लिए 99% नंबर की ज़रूरत नहीं होती है। एक पूरा का पूरा जो ब्लॉक है, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी IQ अच्छी है और आप आपका नज़रिया ऐसा है कि अलग अलग फील्ड्स में आप काम कर सकते हैं, सो दैट इज़ अ वेरी अडेप्टेबल पर्सन। ऑफकोर्स टॉकिंग ऑफ आर्मी, आर्मी प्रोवाइड्स दैट एनवायरनमेंट कि आप अलग अलग एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वो सिर्फ अकेडमिक्स पे फोकस नहीं करते, वो एक पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं, और वो जब एक अच्छी पर्सनैलिटी होती है जो अलग अलग माहौल में अडेप्ट कर सके, सर्वाइव कर सके और एक्सेल कर सके, सिचुएशन जब बदलती है उसके परिस्थितियां बदलने के बावजूद भी वो एक्सेल कर सके या अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके, दिस इज द सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी जो भारत को जो विश्व में चाहिए, विश्व में चाहिए, और ऐसे लोग अच्छा करते हैं जीवन के अंदर। बिल्कुल, और ऐसे लोगों को ही हम चाहते हैं कि इंडिया में एक ऐसी होड़ लग जाए जहाँ ये खेलो इंडिया की वजह से और पूरे एक खेल सोच की वजह से, मुझे लगता है कि घर घर में खिलाड़ी हो, कोई ना कोई एक स्पोर्ट हो। एक और अर्लियर इन द डे हम लोग जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स के साथ बात कर रहे थे तो मध्य प्रदेश हो या यूपी हो, यूपी में तो चेतन चौहान जी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो और भी ज़्यादा कुछ स्पोर्ट्स के लिए करें क्योंकि वो खुद एक एस क्रिकेटर रह चुके हैं। तो हमको ये बताइए कि जब हम स्पोर्ट्स डिवेलपमेंट या खेलो इंडिया की बात करती हैं तो कितना इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि आप हैं मिनिस्टर्स, के लिए एक स्पोर्टिंग बैकग्राउंड होना, क्योंकि जैसे आपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये किया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चा जो था जो नंगे पैर खेला वो आपसे इंस्पायर्ड था, तो इज इट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि एक मेंटर और कोच भी उनको दिखना चाहिए? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपकी अच्छी है सो दैट इज अ की रिक्वायरमेंट अगर आप कहीं पर भी बदलाव लाना चाहते हैं। ऑफकोर्स उस सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि एक जज्बा होना चाहिए, देर हैज़ टू बी अ विल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, और उसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। आप टेक्निकली उस खेल को जानते हैं या नहीं जानते मे नॉट बी ऑफ दैट इम्पॉर्टेंस, यू कैन ऑलवेज हायर कोचेज, आप अच्छे बेहतर से बेहतर कोच ला सकते हैं। Beautiful. लेकिन कम से कम एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं बदलाव लाना चाहता हूँ, समझने की काबिलियत होनी चाहिए कि खेल को मैं जल्दी से जल्दी समझ पाऊँ, या क्योंकि हम खेल की बात कर रहे हैं इसलिए मैं खेल का उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर अलग अलग क्षेत्र में बदलाव लाना है, स्पोर्ट्स के अंदर बदलाव लाना है, तो आई थिंक फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज देयर हैज़ टू बी विल पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड जितने भी अधिकारी हैं या जो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हैं, देयर हैज़ टू बी अ विल कि हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं। अब कबड्डी का उदाहरण दे लीजिए, ये जो कबड्डी लीग शुरू हुई, कहीं ना कहीं आनंद महिंद्रा में ये इच्छा शक्ति थी कि इससे मेरा सीधे सीधे कोई लाभ नहीं है लेकिन मैं बदलाव लाना चाहता हूं, गिविंग बैक, सो ही कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड मेड अ डिफरेंस। ऑल दोज पीपल हु वर एसोसिएटेड इन स्टार्टिंग दिस कबड्डी लीग, कहीं ना कहीं ये था, और ये लीग्स जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। बैडमिंटन लीग हुआ, कबड्डी लीग है, रेसलिंग लीग, क्रिकेट लीग है, इससे मुझे याद है एक समय था जब क्रिकेट के अंदर सिर्फ टॉप के जो 12-13 खिलाड़ी होते थे उनकी बेसिक अर्निंग होती थी, उसमें से भी 6-7 खिलाड़ी होते थे जिनको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, बाकी जो रणजी खेलते थे वो स्कूटर पे जाते थे, उनकी मतलब इकोनॉमिकली हालत उनकी बड़ी खराब रहती थी। आज आप देखिए बिकॉज ऑफ IPL सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो स्ट्रेंथ आई है वो बहुत सारे खिलाड़ियों में आ गई, तो उसने सोच बदल दी। दूसरी, so it's become a career. Absolutely. दूसरा, you are getting an opportunity to show your talent. So you're not totally dependent on selectors. कि आपका जब मैच देख रहे हैं आपको किस तरह से मार्क कर रहे हैं, अब आपके पास परफॉर्मेंस है, आप परफॉर्म करिए अपने आप आगे आएंगे। सिमिलरली बैडमिंटन है या दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं, एक और चीज इसमें बहुत अच्छी होती है, एक जो मैं शुरू में कह रहा था, एक ओनरशिप आती है कि दिस इज माई टीम। सो देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी स्पोर्ट्स, एक होता है कि पार्टिसिपेंट्स कौन है, खिलाड़ी कौन है, right. और दूसरा है कि फैंस कौन है। बिल्कुल, दोनों की जरूरत होती है जी? जब फैंस बात करते हैं, फैंस की ओनरशिप होती है, ये टीम मेरी है, मैं इस टीम के Pride. इस टीम के कलर्स पहनूंगा, बातें करूंगा उस टीम के बारे में,
जब मैं बात करूंगा वो प्रोग्राम देखना चाहूंगा, तो अपने आप टेलीविजन चैनल्स आती हैं, अपने आप स्पॉन्सरशिप आनी शुरू हो जाती है फैंस की वजह से। खिलाड़ी जो होते हैं उनको ट्रेनिंग मिल रही है, वो एक्सेल कर रहे हैं, वो आइकॉन बन रहे हैं, वो रोल मॉडल बन रहे हैं, तो दूसरे भी वैसे ही बनना चाहते हैं। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ एंड दीज लीग्स आर क्रिएटिंग दीज बोथ फैंस एंड पार्टिसिपेंट। दिस इज वेरी नाइस। गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ जो मैं पहले कबड्डी बोल रहा था, जो मैंने अपने गाँव में शुरू करवाई, तो उसमें भी बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण सामने आए। नंगे पांव वो खेल रहे थे, किसी ने कहा कि नहीं ये मेरे गांव की टीम है, मैं खरीद के देता हूं इनको जूते। किसी ने बोला टी शर्ट्स मैं खरीद के देता हूं। ऐसे कितने सारे उदाहरण हुए। दैट इज व्हाट आई लाइक, दैट इज व्हाट आई वांट, कि एक ओनरशिप हो कि ये मेरा गाँव है, ये मेरी टीम है और उसको अब मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा बेहतर बनाने में, मेरी काबिलियत ये है तो मैं इस तरह से कॉलैबोरेटिव अप्रोच हो। एब्सोल्युटली, वही कॉलोनी में हो सकता है, वही स्कूल्स में हो सकता है, वही बढ़ के जिलों में होगा, स्टेट्स में होगा, फिर फाइनली वही भारत में होगा। तो दिस चेंज विल कम अबाउट लाइक दिस। ब्यूटीफुली पुट कर्नल राठौर। चलिए हमें एक ऐसी कोई अपने बारे में क्वालिटी बताइए, स्पोर्ट्स पर्सन कर्नल राठौर के बारे में, जो हम सब नहीं जानते या बहुत कम लोग जानते हैं, कुछ हमारे साथ दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। ये क्या सवाल करा बाकी सब तो बहुत कुछ जानते हैं, कोई आपकी ऐसी पसंदीदा चीज जो आप हमेशा करते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर शूटिंग स्पॉट, या आप करते थे, अब तो खैर आपको टाइम नहीं मिलता होगा। देखिए, टू एक्सेल एट अ वेरी हाई लेवल, मैं अक्सर अपने जो नजदीक जो लोग होते थे उन्हीं से बात करता था। मैंने दूसरे देशों के भी कई खिलाड़ी देखे हैं जो एक्सेल करते हैं बहुत, वो थोड़े एसेंट्रिक होते हैं। बिल्कुल ठीक है, यू हैव टू बी एसेंट्रिक टू अचीव, थोड़ा सा यू कैन बी टोटली बैलेंस्ड। तो माई वाइफ ऑफन टेल्स मी कि तुम एक लत लग जाती है कुछ करने की, फिर सब कुछ भूल के उसके पीछे। तो मैंने कहा शायद ये दिस इज अ मे बी जो होता है ना एक इम्बैलेंस इन माई पर्सनैलिटी, आई एम नॉट अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, तो हाँ थोड़ा सा लत लग जाती है तो आई बिकम अ लिटिल एसेंट्रिक टू अचीव इट। मतलब जो टास्क आपने उठाया उसको करना ही करना है पूरे फोकस के साथ। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी चीज है। आई विश आई वॉज मोर बैलेंस्ड, सो आई विश आई कुछ से कि ठीक है होने दो क्या फर्क पड़ता है, बट ये हो जाता है कि नहीं ये तो करना है और जीतना है क्योंकि हमारी टीम के मतलब हमारा नाम जुड़ा हुआ है या कुछ। सो दैट सॉर्ट ऑफ। रोज आप कितना वक्त निकाल पाते हैं या वीकली या मंथली अपने स्पोर्टिंग टाइम के लिए? नहीं, अभी तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तो मुश्किल स्पोर्ट्स है। तो बिल्कुल भी नहीं है। मिस करते हैं? मैं जब देखता हूं तो थोड़ा बहुत याद आता है। चलिए, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा मैसेज दीजिए जो उनके दिल को छू जाए। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि हम एक जीवन है, इससे आगे किसी को पता नहीं, इसके पीछे क्या हुआ किसको क्या पता। एक जीवन है, इसको और बेहतर बनाना है और इसको बेहतर बनाने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हम इसका जो ब्लेम है वो किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते, और इसको बेहतर बनाने के लिए अपने जो फैमिली है और जो दोस्त हैं वही एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। कितने भी आप रईस हैं, शाम को रोटी वही खाएंगे, दाल वही होगी, उसमें कुछ नहीं बदलेगा। सो द आइडिया इज कि आप अपने समय को और बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें फॉर एक्सपीरियंस। I read somewhere that money can't buy happiness. True. Right? True. But money can buy you experience. Right? Absolutely. So experience is, so agar paisa bhi hai, to aap tajurba hi haasil karenge. Bilkul. Aur tajurba haasil karne ke liye aapko paise ki zarurat nahi hoti. So it is experience that counts. So life is all about experiences. Aur khule dil se usko apnana hai aur jeena hai. थैंक यू सो मच कर्नल राठौर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, और आपने इतनी पर्सनल बातें भी हमारे साथ शेयर की। वी आर रियली टच, और हम चाहते हैं कि आपसे ये एनर्जी लेके हम पूरे भारत देश के लोग इस पूरे खेलो इंडिया को एक अलग ही शेप दे दे और उसको फिफ्थ गियर में डाल दें। आप डीडी स्पोर्ट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कर्नल राठौर के साथ इस चर्चा में हमको पता चला कि एक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। सरकार आपको सपोर्ट करेगी, हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, कॉम्पिटिशन्स भी होंगे, मगर थोड़ी जिम्मेदारी तो हमारी भी बनती है। तो चलिए आज ये प्रण लेते हैं। डीडी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2017 की ये पहल है और हम चाहते हैं कि हम सब खेलों को अपने जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लें, एक कल्चर बना लें, एक संस्कार बना लें।
इसी के साथ मैं दिव्या जेटली आपसे लेती हूँ विदा और फिर मिलूंगी बहुत सारे और चर्चाओं, इनसाइट्स, व्यूज के साथ. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप प्लेइंग एंड कीप सेलिब्रेटिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया. जय हिंद.